नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम झरोखा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्री बजट बैठक के बाद से पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में उन्होंने हरियाणा का रोडमैप रखा और बताया कि सरकार का वित्त प्रबंधन कितना अच्छा है। ये भी बताया कि आर्थिक प्रबंधन को वी शेप में उठाने के लिए रणनीति बनाई गई है। सीएम ने बताया कि बैठक में उन्होंने सुझाव दिए हैं जीएसटी में मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन को लेकर मॉड्यूल बनाया जाए और जीएसटी में राज्यों के लिए प्रोडक्शन शेयर को भी सम्मिलित करने पर विचार किया जाए। वहीं सीएम ने यह भी बताया कि ये भी सुझाव दिया गया है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया जाए और ब्याज को कम कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि राखीगढ़ी के लिए अलग से लोन उपलब्ध करवाने की मांग भी रखी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एफपीओ के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट और अन्य कार्यों के लिए बजट में प्रावधान हो, एमएसएमई के लिए एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने की भी उनके द्वारा मांग की गई। तो प्री बजट पर क्या कुछ मंथन रहा हरियाणा में, हरियाणा की तरफ से सीएम मनोहर लाल की तरफ से क्या कुछ मांग रखी गई वो आपको बता रहे हैं। आर्थिक प्रबंधन को उठाने के लिए रणनीति बनाई और क्या कुछ हरियाणा की तरफ से मांगे रही वो भी आपको इन ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। जीएसटी पर हाइब्रिड मॉडल बनाने का सुझाव भी सीएम के द्वारा इस प्री बजट बैठक में चिंतन मंथन के दौरान रखा गया। तो जीएसटी पर हाइब्रिड मॉडल बनाने का सुझाव सीएम ने रखा, साथ ही साथ एनसीआर प्लानिंग बोर्ड पर कम दर पर लोन देने की मांग भी रखी गई। तो हरियाणा की तरफ से क्या क्या मांगे इस प्री बजट बैठक में रखी गई वो आपको इन ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। गरीबों के लिए ब्याज माफी योजना बनाई जाए, ये सीएम ने हरियाणा की तरफ से मांग रखी कि गरीबों के लिए ब्याज माफ कर देने वाली एक योजना तैयार की जाए। तो प्री बजट में क्या कुछ रहा, किन चीज़ों पर चिंतन मंथन रहा, मांगे रही वो आपको बता रहे हैं। एमएसएमई में एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाए जाने की मांग सीएम ने इस बैठक में रखी। तो ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको बता रहे हैं क्या कुछ हरियाणा की मांग रही। मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन का मॉड्यूल बनाए जाने की मांग सीएम मनोहर लाल ने इस प्री बजट बैठक में रखी। तो बता दें कि निर्मला सीतारमण के साथ ये प्री बजट बैठक हुई, क्या कुछ रहा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके बता रहे हैं। हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, ये मांग सीएम ने रखी और ये भी बताया कि अभी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिन पर अभी काम चल रहा है, 19 जिलों में काम चल रहा है इन कॉलेजेस में और वो कॉलेज बनाना चाहते हैं, इनको लेकर बातचीत हुई। तो वित्तीय प्रबंधन है उसको हमने बहुत अच्छी प्रकार से मेंटेन किया हुआ है। कोविड के बावजूद भी जो सीमा एफआरबीएम की 5% कर दी गई थी बीसी का 21 में, हमने 2.90 पर ही मेंटेन किया हुआ है। हमारे आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से हमने उसका एक प्रकार से सुधार लाने की दृष्टि से वी शेप, क्योंकि कोविड के बाद जो एक डाउन आर्थिक स्थिति हुई थी उसको वी शेप ऊपर उठाने के लिए, उसके लिए भी अलग से हमने अपनी रणनीति बनाई है। तो भी जो केंद्र का बजट है उसके नाते से पहला एक सुझाव मैंने दिया कि जीएसटी जो कंजम्पशन बेस्ड है वो हमारे यहाँ चूँकि प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, हमने एकदम प्रोडक्शन बेस्ड तो नहीं कहा लेकिन हाइब्रिड एक मॉड्यूल बनाया जाए जिसमें कंजम्पशन भी और प्रोडक्शन भी ये दोनों को ध्यान में रख करके किया जाए ताकि उसमें से प्रोडक्शन करने वाले प्रदेशों को भी उसमें ज़्यादा लाभ हो सके और रोज़गार वहाँ बढ़ाया जा सके। फिर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में जैसे नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.75% इंटरेस्ट पर कर्ज देता है, इसी प्रकार से अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट पर भी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड 2.75% पर हमको ऋण उपलब्ध कराए ताकि हम एनसीआर में और तेज़ गति से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकें। राखीगढ़ी के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए क्योंकि एक बहुत बड़ा वो केंद्र, ऐसा विश्वविख्यात केंद्र है, वो बनेगा तो उसके लिए बजट का को प्रावधान किया जाए। मुद्रा स्कीम में जो गरीब परिवार हैं, खास करके जैसे हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना चलाई है उसमें बड़ी संख्या में लोगों को मुद्रा के माध्यम से जो लोन मिल रहा है उसमें भी सेंटर जो है उसका इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज माफ़ी ये उनकी कोई एक योजना बनाए, इस प्रकार से हमने कहा है। एफपीओस जो
किसानों के संगठन होते हैं, उनकी ऋण की सीमा, उनकी सब्सिडी की सीमा 2 करोड़ रुपया है, उसको भी बढ़ाया जाए ताकि कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स भी वहाँ फूड प्रोसेसिंग के वो सब संभव हो सके लगाना, इसलिए उसकी जो उनको ग्रांट है उसकी सीमा बढ़ाई जाए। MSME का भी बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट के लिए कुछ सब्सिडी का निर्धारण किया जाए ताकि वो लोग भी एक्सपोर्ट कर सकें और हमें कंटेनर्स भी उपलब्ध कराएं ताकि हम उनके सामान को जो पोर्ट्स हैं वहाँ तक भेजने की अपनी व्यवस्था कर सकें। कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए अलग से 50 वर्ष की एक राशि प्रांतों को सेंटर उपलब्ध कराता है, वो भी ब्याज मुक्त होती है, तो 50 वर्ष बाद उसको रिफंड करना, वापस करना होता है, लेकिन वो राशि बहुत कम है। हमें पिछले वर्ष में सिर्फ 91 करोड़ रुपया मिली है, हालांकि कोविड के कारण से ये कम हुई है, इससे पहले थोड़ा ज़्यादा मिलती थी, लेकिन उसकी सीमा भी बढ़ाई जाए और हमारे जैसे प्रदेश जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल के आसपास बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, इसके लिए हमने अपनी मांग 5,000 करोड़ रुपये की एक मांग भी रखी है नए बजट में। तो इस प्रकार से कुछ मांगे, कुछ सुझाव ये हमने। सीएम मनोहर लाल ने किसानों की दुगनी आय पर कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, किसानों को भी सरकार योजनाओं को पूरा फायदा देगी, और सीएम ने हेल्थ विभाग को लेकर भी जोर देने की बात कही। ये एक जो आप लोग कहते हैं कि किसानों की आय डबल बढ़ाया जाए, ये कुछ सिंगल एक काम से, एक प्रोजेक्ट से और एक फेज में होने वाला ऐसा नहीं है, एक मल्टीपल प्रोसेस है और उसको लगातार हम चला रहे हैं, उनको सब्सिडीज दे रहे हैं, किसानों को बहुत सी चीज़ों के ऊपर उनके इम्प्लीमेंट्स उपलब्ध करा रहे हैं, उनको ऋण दिलाए जा रहे हैं, उनकी जो प्रोक्योरमेंट है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। हरियाणा में जैसे 11 फसलें हम प्रोक्योर करते हैं और उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देते, हर बार हर छः महीने के बाद जो फसल की बारी आती है उस फसल का MSP वो लगातार पिछले 6 बार तो मैं देख रहा हूँ बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, गन्ने का रेट वो बढ़ रहा है, तो इस नाते से ये चीज़ें एक एक करके आगे बढ़ रही हैं। अभी FPOs हमारे यहाँ लगभग 600 FPOs हरियाणा में खुल चुके हैं, 1,000 का हमारा इस बार टारगेट है। 3 दिन पहले भी मैं एक पैकिंग सेंटर और फूड प्रोसेसिंग का सेंटर त्रावड़ी में जिसका उद्घाटन करके आया हूँ, अभी तक 7 सेंटर हुए हैं, इस वर्ष में उन्हें 50 करने हैं। तो और उसी प्रकार से कृषि से साथ जुड़े हुए अन्य उद्योग, जैसे मानो मशरूम फार्मिंग है, फिशरीज है, डेयरी फार्मिंग है या बी कीपिंग है, इस प्रकार के सारे प्रोजेक्ट्स, इनको भी बढ़ाया जा रहा ताकि ज़मीन किसी छोटी भी है तो उनके परिवार के सदस्यों को ऐसा बिजनेस मिल जाए। तो ऐसा करके एक एक चीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते ओवरऑल फार्मर्स की इनकम काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है और आगे चलेगा। हेल्थ सेक्टर्स में हमने उनको बताया कि हमारा जो टारगेट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, कि जो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने, तो उस नाते से अभी 19 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस या तो जो बन गए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनकी योजना बन गई है, घोषणा हो गई है, 3 जिले बाकी हैं, अगले आने वाले 22-23 में वो 3 जिलों की भी घोषणा करेंगे। हरियाणा में 5 से 14 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस कड़ी में 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में पंचकुला से इन खेलों का औपचारिक रूप से आगाज होगा। यह निर्णय वीरवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम में कोविड महामारी अलर्ट के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान खेलों के मस्कट, धाकड़ एवं आधिकारिक जर्सी का भी अनावरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 25 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5 पारंपरिक खेल जैसे कि गतका, कलारी पैयट, थांग ता, मलखम्ब और योग भी शामिल है। ऐसी प्रतियोगिताएं 5 स्थानों जो कि पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में करवाई जाएगी। इन खेलों में देश के 15 आयु वर्ग और 17 आयु वर्ग के 8500 खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की संभावना है। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्सपो भी यहां आयोजित किया जाएगा।
वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा खेल के क्षेत्र में अपनी धाक जमाकर पूरी दुनिया के नक्शे पर आ चुका है। हमें अपने खेल प्रतिभाओं पर गर्व है। निकट भविष्य में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया में देश के कोने कोने से हजारों खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें हमारे खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ेगा। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 29वीं राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल पहनाकर आशीर्वाद देने के बाद संबोधित कर रहे थे। और इस अवसर पर फेंसिंग हरियाणा के अध्यक्ष एनके सोलंकी और भारतीय फेंसिंग संघ के उपाध्यक्ष सुरेखा खत्री और आयोजन अध्यक्ष वीके बेनीवाल ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश के तलवारबाजों ने राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता में दोनों वर्गों में ओवरऑल ट्रॉफी लेकर हरियाणा को 14 मेडल देने का जो इतिहास रचा है वो प्रदेश में पहली बार हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सब खिलाड़ियों के अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हरियाणा निवास में प्रदेश भर के अतिरिक्त जिला उपायुक्तों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और सभी उपायुक्त वर्चुअली माध्यम से जुड़े। प्रदेश भर के अतिरिक्त जिला उपायुक्तों की इस बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गरीब परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आने वाले दिनों में नई स्कीम्स लेकर आएगी। आगामी 7 जनवरी 2022 से प्रदेश भर में अंत्योदय मेलों का दूसरा चरण शुरू होगा। पहले चरण में 156 मेले आयोजित किए गए थे। परिवार पहचान पत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र का 3 चरणों का काम पूरा हो चुका है, जल्द ही 4th चरण का काम पूरा होगा। अभी 1,50,000 परिवारों के लिए अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 90,000 परिवारों ने हिस्सा लिया था। इनमें से कई परिवारों को स्वरोजगार के लिए लोन दिया गया था। 7 जनवरी से अंत्योदय मेलों का अगला चरण शुरू होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन की दृष्टि से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई अलग अलग रैंकिंग में हम अग्रणी राज्यों में रहे हैं। हम पड़ोसी राज्यों की तरह से प्रचार पर ज्यादा नहीं बल्कि काम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। पत्र ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा हरियाणा सरकार का, और बहुत ही उत्सुकता से बाकी सब लोग, बाकी सब प्रदेश और इवन केंद्र के भी हमारे कई विभाग इसकी ओर देख रहे हैं, लेकिन इसको हम निरंतर एक ही कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक जो वेरिफिकेशन का काम है, थर्ड फेज का प्राय पूरा हो गया है, और अभी फोर्थ फेज के जो नाम हैं 75,000 से लेकर के 1,00,000 रुपये तक जिनकी सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है, वो भी आज पुश हो जाएगा और उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक वेरीफाइड जो परिवार हैं जिनकी इनकम को, जिनकी आय को हमने जाँच लिया है, ऐसे लगभग 1.5 लाख परिवारों को हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की दृष्टि से मेले लगाए थे, और वो मेलों का पहला जो चरण है वो पूरा हो गया है। 90,000 के लगभग परिवारों के लोगों ने उसमें भाग लिया है। उनको सबको किसी न किसी स्कीम के माध्यम से उनकी आय बढ़े, ये योजना डिपार्टमेंट के अनुसार भी और कुछ बैंकों से जिनसे लोन लेना उसके हिसाब से भी उनको सबको और वेरीफाई करके और उस काम को, प्रोसेस को चालू कर दिया है। काफ़ी लोगों के तो लोन सैंक्शन भी हो गए, लगभग 14,000 परिवारों के लोन सैंक्शन हो गए हैं। फेज इसका 7 जनवरी से शुरू होगा और वो जनवरी के आखिर तक चलेगा। जब तक तब तक और भी परिवार जो आइडेंटिफाई हो जाएंगे उन सब परिवारों को भी उसे बुलाया जाएगा। और कुछ विभागों की नई स्कीमें भी हमने कही हैं कि कुछ ऐसी डिमांड के आधार पर नई स्कीमें हैं, कुछ स्कीमों में कुछ रियायत देनी है। जैसे अभी 55 साल तक के व्यक्तियों के लिए तो योजनाएँ काफ़ी हैं, लेकिन 55 से 60 साल तक भी कुछ योजनाएं और बना करके या उन्हीं की एज को एक्सटेंड करके और उसका लाभ दिया जाए। कुल मिलाकर जो गरीब परिवार है जिसकी आय कम है उसकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, और इसका एक बहुत अच्छा जनता के अंदर भी एक मैसेज है कि हाँ सरकार जो है पहली बार गरीबों के लिए कुछ करके उनकी इनकम को बढ़ा रहे। देखिए लगातार हम लोग, आपको पता है कि अपनी योजनाओं पर ध्यान दे रहे हैं, इन पर काम कर रहे हैं, आईटी का उपयोग कर रहे हैं, एक एक घर को, एक एक परिवार को चिन्हित करके उनके यहाँ जा रहे हैं। भले ही हमारा प्रचार उतना ज़्यादा ना हो जैसे कुछ पड़ोस के प्रदेश भी करते रहते हैं, तो प्रचार की बजाय यानी गवर्नेंस के ऊपर पूरा ध्यान करना ये हमारा हेतु है, प्राथमिकता है। लगातार
जो वर्षों से काम कर रहे हैं उसके परिणाम आने लगे हैं, और परिणाम आने में जैसे हेल्थ में आया है, जैसे सर्विस डिलीवरी है, जैसे हर एक विभाग को लोगों के घर तक पहुंच करके और उसको डिलीवरी का विषय आया है, इसमें हरियाणा नंबर एक पर आया है। मैं इस विषय पर मुझे पूरी संतुष्टि है कि हम अपने कामों में आगे बढ़ रहे हैं। नीति आयोग ने सोमवार को हेल्थ इंडेक्स जारी किया और इसमें दक्षिण राज्यों में राज्यों ने बाजी मारी है। उत्तरी राज्यों की हालत थोड़ी खराब है। हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में केरल देश में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा भी आगे रहा है। प्रदेश ने स्वास्थ्य सुविधाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। 2018 से 19 के रैंक को भी हरियाणा ने बरकरार रखा है। पूरे स्टाफ को IT अनेबल्ड HRMIS से कवर किया गया है। PHC UPHC गुणवत्ता मान्यता सुधार में भी हरियाणा हमेशा ही आगे रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के अंजनथली में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के पास प्रदेश के सातवें इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम क्रॉप क्लस्टर सेंटर का उद्घाटन किया। इस पैक हाउस में प्रमुख रूप से चार तरह की सब्जियां, जिसमें टमाटर, भिंडी, करेला की प्रोसेसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग और मार्केटिंग की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर 5.5 करोड़ की लागत आई है, जिसमें प्रदेश सरकार का प्रमुख योगदान रहा है। इस पैक हाउस में 170 किसान जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए CM मनोहर लाल ने कहा कि पैक हाउस के बनने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। ये भी कहा कि जब मार्केट में मंदी हो तब किसान अपने उत्पाद को स्टोर कर बाद में बड़े दामों पर यहाँ बेच सकते हैं। ये भी उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 7 पैक हाउस बनाए गए हैं, 50 पैक हाउस और बनाए जाएंगे। जहां जिस सामग्री का ज्यादा उत्पादन होगा वहां उसी वस्तु का पैक हाउस बनाया जाएगा और इसमें सरकार पर्याप्त सब्सिडी भी देगी। प्रधानमंत्री जी का वो एक लक्ष्य कि हमको देश के किसान की आय को डबल करना है, उस नाते से बहुत नए नए आयाम देश भर में भी लागू किए जा रहे हैं जो सब प्रदेशों में लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने प्रदेश में भी कई नई योजनाएं बना करके और समाज का वो वर्ग जो किसी एक सीमा से भी नीचे है, ऐसे समाज के वर्ग को आर्थिक दृष्टि से एक प्रकार से उनको इस योग्य बनाना कि अपने परिवार का जीवन यापन ठीक से कर सकें, तो हमने कई योजनाएं चलाई हैं। उसी के अंतर्गत आज ये जो हम देख रहे हैं कि एक पैक हाउस, कम कोल्ड स्टोरेज और कम प्रोसेसिंग सेंटर, ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर लगभग 5.5 करोड़ रुपये की लागत इसमें आई है। 4 करोड़ के आसपास इसमें सब्सिडी है, बाकी पैसा जो है ये यहाँ जो FPO बना है, 170 किसानों का ये FPO है। इस FPO के सब किसानों को इसका लाभ होगा, अपनी सब्जियाँ, अपने फल यहाँ रख सकेंगे और समय पर जब अच्छी कीमत बाज़ार में मिलती है तब उसको बेच सकेंगे, उसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, उसकी पैकिंग भी कर सकते हैं, ताकि उसको मार्केट में, चाहे देश की मार्केट हो चाहे विदेश की मार्केट, उसमें बेचा जा सके। ऐसा ये 7वां पैक हाउस आज जो है ये बनाया जा रहा है। हमारा टारगेट है 50 इस प्रकार के पैक हाउस बनाने की, ताकि किसानों की एक प्रकार से जो छोटी जोत का किसान है उसकी आय बढ़ सके और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो भी जो गरीब परिवार हैं, छोटा किसान है अथवा एग्रीकल्चर लेबर है, ऐसे लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आय बढ़ाने का एक ये साधन आज ये। करनाल के कस्बा तरावड़ी में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के नजदीक बने प्रो ग्रोवर FPO इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम क्रॉप क्लस्टर सेंटर में कृषि मंत्री JP दलाल पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस तरह के सेंटर बनाने से किसानों को और विशेषकर छोटे किसानों को बेहद फायदा मिलेगा। इस विधि में फसल की न केवल गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि उसका रख रखाव भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की लगातार कोशिश रही है कि किसानों को उनकी उपज का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए। प्रदेश में इस तरह के लगभग 600 सेंटर बनाए जा चुके हैं। उनको भी आज इनाम देंगे और किसानों के लिए जो जो नई योजनाएं बना रहे हैं इस सारे पर चर्चा होगी और सबसे पोर्टल बना करके हम हर क्षेत्र के अंदर प्रोग्रेसिव फार्मर को ट्रेनर फार्मर बनाना चाहते हैं, ताकि जो एक्सीडेंट्स इन
प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने जिस जिस विषय में उन्होंने हासिल की है वो दूसरे फार्मर्स को सिखा दें, उस दिशा में ये तैयार करके आज के काम शुरू करेंगे। बाकी जिन जितने अलग अलग विषय में अपने एक्सीलेंसी हासिल की है उनको इनाम देंगे। और नई विधि है यहाँ पर जो ड्रोन का उपयोग से नैनो यूरिया का कैसे छिड़काव किया जा सकता है वो दिखाएंगे। और हमारा मकसद यही है कि किसानों के लिए जितना सुविधा दे सकते हैं वो दें, और जो लैब से लेकर के खेत तक सुविधाएं पहुंचाएं, इसलिए खेत में आकर के मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये देखिए छोटे किसान की सामर्थ्य नहीं होती 2 एकड़ 4 एकड़ का, अगर किसानों को 400-500 एकड़ के किसान FPO बना लें, पैक हाउस बना लें तो क्रय शक्ति बढ़ जाती है, उनका जो प्रोड्यूस होगा उसको बेचने की शक्ति बढ़ जाती है। और यही विधि है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के अंदर 4 FPO बनाए, 600 से ज़्यादा FPO बनाते हैं और ये हरियाणा के अंदर बहुत तेज। प्रदेश में बढ़ते ओमिक्रॉन केस के बीच सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सख्ती और बढ़ाई जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अब बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू करने जा रही है, बुजुर्गों को भी बूस्टर डोज दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिना वैक्सीन लिए लोगों को 1 जनवरी से सार्वजनिक जगह पर एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकर के 18 वर्ष के ऐसे हरियाणा के हमारे जो बालक होंगे, छात्र छात्राएं होंगी, इनकी संख्या लगभग 12 से 14 लाख होगी प्रदेश में। इनको बहुत जल्दी कोविड का पहला टीका लग जाएगा। और जहां तक 2 टीके की बात है उसमें भी सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज तो हमारी 95% से ऊपर हो गई है, सेकेंड डोज भी लगभग 65% हो गई है। और हमने इसके लिए सख्ती करने के लिए कहा है कि 1 जनवरी के बाद सार्वजनिक स्थानों के ऊपर ये जो 2 इंजेक्शन वाले लोग ही एंटर कर पाएंगे, अन्यथा वहीं व्यवस्था रखेंगे, जिसका सेकंड डोज ड्यू है उसको सेकंड डोज भी वहीं लगवाया जाएगा। बूस्टर डोज की भी बात, बूस्टर डोज का भी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, और जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको पहले चरण में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। बढ़ते ओमिक्रॉन और तीसरी लहर की आहट के बीच स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गैदरिंग और धरने प्रदर्शन पर रोक के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा, वहीं हेल्थ वर्कर्स और 60 से ऊपर के लोगों को 10 जनवरी से प्रिकॉशनरी डोजेज लगाई जाएंगी। इसके लिए जो भी उस संस्थान का हेड होगा उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो चेक करे कि जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं उन्होंने दोनों वैक्सीनेशन लगवा ली है या नहीं लगवा ली। रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का मालिक या मैनेजर, बैंकट हॉल, होटल, मॉल, बैंक, दफ्तर या ऐसी सभी गैदरिंग्स जहाँ पर होती जो इंचार्ज है वो उसका चेक करेगा कि वैक्सीनेशन दोनों लगी है या नहीं लगी, और उसको काउंटर चेक करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्त अपनी एक टीम बनाएंगे जो रैंडम ऐसे संस्थानों पर जाकर चेक करेंगे। सब जगह तो नहीं जा सकते हैं लेकिन रैंडम जाएंगे, किसी भी बैंक में चले जाएं, किसी भी दफ्तर में चले जाएं, किसी भी मंडी में चले जाएं, जाके वहाँ पे वो सबका चेक करेंगे। और अगर कोई बिना वैक्सीनेशन के पाया गया तो उसको धारा 188 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की, नागरिक के खिलाफ की जाएगी या संस्था के जो हेड है उनके खिलाफ की जाएगी? नहीं, नागरिक के खिलाफ की जाएगी। तो हमारे इस खास कार्यक्रम झरोखा में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।